हेलो फ्रेंड्स, मैं लिली। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन का एक और कॉर्नर शो करूंगी। वहाँ लगे हुए सारे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। इसके पहले जो रेड कलर का प्लांटर देख रहे हैं आप, उस पर 4 o'clock का प्लांट लगा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसके पहले मेरा सेक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, सारे प्लांट्स दिखा चुकी हूँ। आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है ये हॉली प्लेस हमारा, जहाँ ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं जिनकी अक्सर पूजा की जाती है। तो बीच में रखा है तुलसी का प्लांट, उसके लेफ्ट साइड में जो है इसे हम बोलते हैं स्वीट बेसल, इसे हम लोकल लैंग्वेज में देवना बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं आप बताइएगा मुझे। इन दोनों प्लांट्स को मंजरी में जो लगती है बीज, उससे लगाते हैं। देवना का प्लांट जो है मैंने कटिंग से भी लगाया, वो भी सक्सेसफुल है। तुलसी भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो है ये जो स्वीट बेसल है, इसे आप अगर आपको सफ़र में उल्टी वगैरह होती है तो इसकी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और आप इनकी लीव्स अपने साथ रख लीजिए तो आपको उल्टी वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, तो आप ये ट्राई करिएगा अपने घर में। इसलिए इस प्लांट को ज़रूर ऐड करिए। और उसके बाद जो है ये बरगद का प्लांट बहुत छोटा था, इनका तो जो है हॉली वैल्यू क्या है मुझे उतना खास मालूम नहीं, लेकिन मुझे प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इन्हें छत के किनारे, दीवार वगैरह के किनारे लगा हुआ था, तो दोनों को कलेक्ट किया है। ये पीपल भी दीवार पर ही लगा हुआ था, और ये बरगद याद नहीं आ रहा मुझे। तो जो पीपल का प्लांट है ये बोनसाई के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट प्लांट है। इसकी नीचे से एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कितना खूबसूरत प्लांट है। हो सकता है इसकी बोनसाई बनाने का मैं ट्राई करूं, पर इस फील्ड में मैं नहीं हूं तो मुझे मालूम नहीं मैं कितनी सक्सेसफुल होंगी, पर मैं कोशिश ज़रूर करूंगी और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। और उसके बाद ये है हमारा सेक्शन ऑफ लिली का, ये आप देख चुके हैं जब समर्स में समर वाली लिली लगी थी वो दोनों कॉर्नर के प्लांटर में, तब मैं आपको दिखाई थी। और ये वाली जो मटकी है इस पर कंपोस्ट बनाने रखा हुआ था, तो उसी कंपोस्ट पर मैंने अपराजिता का एक प्लांट लगाया था, छोटा सा था प्लांट, और देखिए कितनी जल्दी ग्रो हो गया क्योंकि इसे कंपोस्ट में लगाया गया है। आप भी किचन वेस्ट को कंपोस्ट बनाने ज़रूर डालिए। और अगर आपके पास प्लांटर वगैरह अवेलेबल नहीं हो तो आप पॉली बैग में रखिए उन्हें, और फिर प्लांट लगाइए। इस पर बहुत सारे फ्लावर लगते हैं, आज भी बहुत फ्लावर लगे थे लेकिन मेरी मम्मी ने पूजा के लिए तोड़ लिया। ये ब्लू कलर के ये प्लांट जो है, ये जो फ्लावर है ये गुच्छे में और सिंगल पेटल दोनों में आते हैं। दोनों प्लांट है मेरे पास, ये वाला गुच्छे वाला है। कभी फ्लावर लगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरी रेन लिली क्या ज़बरदस्त लगी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेन लिली में ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो आप क्या करिए, जो फ्लावर सूख गया है उस पर आपको सीड बनने नहीं देना है। ये वाला यहाँ पर सीड बनती है ब्लैक ब्लैक कलर की, और ग्रो तो मैंने इन बल्ब से किया है। खैर, ये जो लिली वाला जो प्लांट है ये हमारे घर में बहुत सालों से है, तो इसलिए भी मुझे सीड बनवाने की ज़रूरत नहीं। तो आप क्या करिए, अगर आपको फ्लावर ज़्यादा चाहिए और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट कम है तो आप क्या करिए, पूरा स्टैक उखाड़ दीजिए यहाँ से ऐसे। तो मैं ये कर ही रही थी तो मुझे याद आ गया कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि तीनों में आज एक साथ फ्लावर लगे हुए हैं। ये वाइट वाला जो लिली का प्लांट है ये मैंने इस साल ही ऐड किया है, अभी लेकर आई मैं, लगाया हुआ था पॉली बैग में, 30 rupees का मिला मुझे। मैंने रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैं मुझे मालूम नहीं कितने बल्ब हैं, फिर भी अच्छे खासे बल्ब होंगे क्योंकि जब से लाई हूँ तब से फ्लावर लग रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक आइडिया दिए देती हूँ, आपके पास अगर मान लीजिए ऐसे कोई प्लांट हैं जिन पर सीज़न में ही फ्लावर आने वाले हैं, तो आप क्या करिए, अगर उनकी कटिंग वटिंग कर रहे हो तो उन्हें पॉली बैग में लगा दीजिए, ताकि फिर से उनका सीज़न आए तो उस पर फिर से फ्लावर, आपको बहुत सारे फ्लावर देखने को मिल जाए। मैंने भी लगा के रखा हुआ है, और अगर कोई मांगे उन्हें तो आपको देते भी बन जाए, क्योंकि प्लांट्स जो है गिफ्टिंग ऑप्शन बहुत बढ़िया है। तो और ये जो है पान का प्लांट, ये प्लांट बहुत बड़ा था पर समर्स में मैं इसकी केयर नहीं कर पाई तो ये ख़राब हो गया। इसे डायरेक्ट सनलाइट में आप कभी मत रखिएगा, इंडोर ही रखिएगा। तो अभी मैंने कटिंग लगाई है और
रेनी सीज़न है तो मैं इसकी कटिंग जो है लगाकर बाहर ही रख दी हूँ। और ग्रोथ आप देख ही रहे होंगे क्या बढ़िया चल रही है। ये देखिए इस पर नई लीव्स आ रही है, ये भी नई लीव्स, नई नई। और बाद में मैं इन्हें इंडोर रख दूँगी अच्छे प्लांटर में लगा के। ये टेराकोटा के प्लांट्स हैं, टेराकोटा के सॉरी पॉट हैं। और ये जो है पुदीने का प्लांट हम खाने के लिए लाए थे, उसी से मैंने एक स्टैक निकाल के ऐसे इसे ग्रो कर दिया। ये देखिए आप ऐसे निकलती जाती हैं। अगर आपको ये पौधा लगा हुआ मिला तो आप इसे कट करके ले आइए अपने घर और लगा लीजिए, बहुत आसानी से लग जाता है। खुशबू तो आप जान ही रहे हैं पुदीने की कितनी अच्छी होती है। और ये वाला प्लांट है फ्रेंड्स, इसे अजवाइन बोलते हैं पर ये जो है खाने वाली अजवाइन नहीं होती, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे मैं अपने गार्डन में ऐड करूँ या नहीं। पर जब मैंने इसे इसके बारे में जाना तो मुझे इच्छा हुई और फिर मैंने इसे नर्सरी से लेके आके लगाया। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेडिसिनल बेनिफिट भी है इसका। और इसे आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैं इसे नर्सरी से लाई हूँ, दो प्लांट लगे हुए थे पॉलीथीन वाली जो बैग आती है उसमें, और दोनों मुझे 50 रुपीज़ में ही मिले, छोटे छोटे थे अभी बढ़ गए हैं। ये जो है पत्थर चट्टा का प्लांट, इसका जो मेन प्लांट है वो ओले गिरे थे तो ख़राब हो गए, उसके नीचे से जो है बहुत सारे ब्रांचेस बोल सकते हैं या छोटे प्लांट निकल आए। फ्रेंड्स इसे लगाना बहुत आसान है, कटिंग से लगा लीजिए, लीफ से भी आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट। मैंने लीफ से भी लगाया मुझे, लेकिन ये प्लांट लगा हुआ कहीं नहीं मिला तो मैं नर्सरी से 50 रुपीज़ का लाई थी। और ये गिलोय है, गिलोय का जो प्लांट है इसकी जो पत्तियाँ हैं डायबिटीज़ में काम आती है, आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको कफ़ की भी प्रॉब्लम है तो भी आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, और दिखने में तो बहुत खूबसूरत है ही। तो जो ये है प्लांट, इसको ये भी दो प्लांट लगे हुए हैं, एक मिनट मैं पास से अच्छे से दिखा दूँ, ये एक और ये पीछे की ओर एक और दो, तो वो दोनों मिला के ही मुझे 50 रुपीज़ में मिला। नर्सरी में आप ऐसे प्लांट्स चूज़ करें जो हेल्दी हो, जिस पर आपको ज़्यादा प्लांट्स की पॉसिबिलिटी मिले तो वो अच्छा रहता है। फ्रेंड्स जो मैं लीफ से लगा कर रखी हूँ, ये वो वाले प्लांट्स हैं जिन्हें मैंने लीफ से ग्रो किया है। और एक लीफ से आपको दो तीन बेबी प्लांट तो मिल ही जाते हैं, बस आप लीफ को जो है सॉइल में दबा दीजिए, हल्के से उस पर सॉइल डालिए और बेबी प्लांट्स निकल आएंगे। बहुत सारे जो है प्लांट्स निकले थे तो मैं सबको पॉली बैग में लगा दी और बहुत सारे मैं गिफ्ट कर चुकी हूँ। और ये कुछ बच गए हैं, समर्स में भी छत पर रखे हुए थे, इसकी वजह से इनका लीफ जो है येलो हो गया है। फ्रेंड्स इस प्लांट को भास्मा का प्लांट बोलते हैं। भास्मा इसलिए बोलते हैं कि आप ऐसी कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो जो आसानी से नहीं पकती हो तो आप इसकी लीफ जो है कट करके उसमें डाल दीजिए। नॉनवेज खाने वाले भी इसे ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो आप क्या है इसकी पत्तियां डायरेक्ट कंज्यूम कर सकती हैं, ये हेल्दी हैं। और आप बताइएगा कि आप इसे लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। और वीडियो लंबा हो रहा है फ्रेंड्स तो मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ, इसके आगे का सेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा सारे प्लांट्स के नाम। और इसके बारे में आपको एडिशनल कोई नॉलेज पता हो तो भी मेरे साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।